বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচারের বলি এবার 20 বছরের গৃহবধূ। সোমবার বেনিয়াপুকুর গোরাচাঁদ রোড এলাকার মৃতার মা সাবিনা রশিদ জানান, আগের বছর জানুয়ারি মাসে বিয়ে হয় তার মেয়ে হাজিরা রশিদ এবং আলতাফ হোসেনের সঙ্গে। এরপর থেকেই শুরু হয় মৃতার সঙ্গে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নির্যাতন করার পরে এই বিষয়ে মুখ খুললে প্রাণ নাশের হুমকি দিতে থাকেন অভিযুক্ত আলতাফ হোসেন। আলতাফের বাড়ি হাওড়া শিবপুরে। পরিবার সূত্রে খবর, আলতাফ এই ঘটনার কিছুদিন আগে মৃতার সোনা গয়না এবং 4 লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নির্মম অত্যাচার করলে তারা বেনিয়াপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে, কিন্তু পরিবারই পুলিশ তাদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। দীর্ঘ অত্যাচার সহ্য করার পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। এদিন মৃত্যুতে মেয়ের মা শোকে ফেটে পড়ে। नमस्कार, मैं आप लोगों को आज एक वाकया दिखाता हूँ। आज हम लोग खड़े हैं बेनियापुकुर में गोराचंद रोड के पास। यहाँ पे एक वाकया हुआ है जहाँ पे इस परिवार के जो लड़की हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। उनके लड़की का शादी के बाद उनका दामाद उनको लड़की को बहुत टॉर्चर किया और टॉर्चर के बाद वो लड़की डेट कर गया। डेट करने के बाद ये परिवार ने पुलिस को GD किया। मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये देखिए GD यहाँ पे है। ये GD का पेपर आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ ये इन्होंने बहुत सारे जो है कागज जो है उन लोगों को दिए थे कि उनकी लड़की के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, लेकिन ये जो थाना है ये कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं ले रहा? यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री एक नारी है और इस नारी एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक लड़की के ऊपर इस तरीके का कैसे करके अत्याचार हो सकता है? ये परिवार बहुत गरीब है, कहीं पे इन लोगों का कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए ये चुपचाप बैठे हुए हैं। आज हमारे 24 आवर्स TV इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि इस वाकया को आप लोग के जरिए ये हम लोग इंसान के पास हम लोग पहुंचाना चाहते हैं जहां पे इन लोगों के लिए इंसाफ मिले, क्योंकि गरीब अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर ये गरीब कहां जाएगा? जहां पे थाना में जा रहे हैं तो GD नहीं लिया जा रहा है, थाना के पास कंप्लेन किया जा रहा है कि उनके लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी थाना चुप है। थाना कोई स्टेप नहीं लिया अभी तक। क्यों नहीं ले रहा थाना स्टेप, हम लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है इसमें माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बोल रहे हैं कि किसी गरीब के ऊपर कोई किस्म का अत्याचार नहीं होना चाहिए। उस जगह रहेगी, थाना कैसे करके चुप बैठा हुआ? आइए पूछते हैं क्या हुआ था इस परिवार के साथ। मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, उनके परिवार उनके जो लड़की थी उनका नाम है हाजरा रशीद। वो ये बेनियापुकुर गोराचंद रोड के पास रहते थे। 2020 में जनवरी में उनका शादी हुआ है और ठीक नवंबर में एक साल जाते ना जाते उनके बच्चे के साथ उसका डेट हो गया और उनके जो हस्बैंड थे मतलब जिसके साथ उसका शादी हुआ इस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़की का डेट होने का मतलब है लास्ट स्टेज पे उनको जिंदगी छोड़ के चले जाना पड़ा, लेकिन पुलिस के पास जाने के बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। आइए पूछते हैं एग्जैक्ट क्या हुआ था। मैं पूछ लेता हूँ, आप थोड़ा यहाँ आइएगा। आपका नाम क्या है? शपाना रशीद। आपका लड़की था? जी हाँ, मेरी लड़की थी। तो आपका लड़की के साथ क्या हुआ था, थोड़ा उस तरफ देख के बोलिए। जी मेरी लड़की मोहब्बत करके शादी की थी, मगर उसके बाद बहुत जुल्म करता था। वो अपना माँ बाप को छोड़ के यहाँ शादी करके यहाँ आया था, मगर वो जुल्म करता ही रहता था। उसको कुछ ब्लैकमेल किया था, इसलिए शादी के लिए मजबूर होके वो शादी की। बहुत बुरी तरीके से उस बच्ची को बहुत बुरी तरीके से उनका डेट हुआ है। आप देख रहे हैं उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा है। एक माँ अपने बच्ची को हरा चुका है, क्या हो रहा है उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जो TV के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं किस तरीके से वाकया हुआ है। क्यों सरकार क्यों नहीं आज पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है? ये गरीब है इसीलिए। आपका बच्ची के ऊपर जो टॉर्चर होता था, तो आपका बच्ची तो यहीं पे रहता था, तो आपके घर पे ऊपर ही है, यहाँ पे टॉर्चर करता था? यही टॉर्चर की यही रूम बन कर यही रूम में रहती थी। हम लोग पास के रूम में रहते थे, पर वो कुछ बोल नहीं पाती, डर से उखली बोलती थी। अगर बोल देते ना तो बाप मेरे भाई को और पापा को कुछ कर देता, इसीलिए कुछ बोलती नहीं थी, डर से रहती थी। और आज जब वो बीमार पड़ी उस हालत में जेवर चोरी करके घर से भाग गया, और आज भी हमको फोन में बहुत हैरेसमेंट करता है, बहुत उल्टा सीधा गाली वाली सब देता रहता है।
वो लड़का पैसा वैसा के लिए बहुत जुलुम करा है मेरा बाबू के ऊपर में। हर वक्त पैसा दे। पास उसका एक दोस्त है, उससे भी 5,000 रुपया कर्जा लिए कि जबरदस्ती और बच्चों के ऊपर में टॉर्चर, अपना दोस्त से ले, अपना माँ से ले, घर का भाड़ा ले। दहेज के लिए ससुराल वाला ही बहुत उसके ऊपर में जुलुम करता था, बहुत चीज में। उसकी माँ बहन भी उसकी माँ बहन भी बहुत टॉर्चर किया। लड़की को उठाया था वो लोग घर में? अपना घर में कभी दाखिल नहीं होने दिया। खाली जब हम लोग उसको तोपसिया में घर दिया तो उसका माँ आके बोली कि हमारा घर का किराया बाकी है, हमको पैसा चाहिए। तो लड़का मेरा बेटी को बार बार बोलता था कि तुम कहीं से भी पैसा ला के दो, तुम अपना माँ से मांगो, बाप से मांगो, या अपना सहेली। तो एक मरने के बाद उसका एक सहेली बोली कि आंटी हमसे एल्फी पैसा ली थी 5,000 रुपया, मगर अब खत्म हो चुकी है, हम उसके माफ कर दे रहे हैं। तो हम लोग जब मैंने मेरे लड़की को जब वो छोड़ के भागा तो उस वक्त मेरा लड़की हॉस्पिटल में भर्ती थी, पूरा जेवर लेके भाग गया। जब हम लोग पूछा बेटा कोई ऐसा बात है, बोले नहीं पापा ने। एंडिंग टाइम में बोली पापा हमको बहुत टॉर्चर करता, हम डर से नहीं बोला ताकि अगर हम बोलते तो वो आप लोग को कुछ कर देता। कितना जेवर लेके गया? 4.5 लाख का जेवर है। हम लोग धार कर्जा करके उसके इलाज करने के लिए पैसा भी कर्जा करके लॉकर में रखे थे, और नशा में भी बीता, पत्ता पीता है, शराब पीता है। मेरा बाबू को बहुत जुलुम करता था, उसको बहुत मारता था। जाते वक्त सारा कहानी बोली कि मम्मी हमको पसंद नहीं था, मगर मेरा संग में कुछ ऐसा किया था इसलिए हमको शादी करने पड़ा जबरदस्ती। तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट किए थे, हम देख रहे हैं यहाँ पे जीडी है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जीडी का कागज मेरे पास है, ये देखिए, ये जीडी का पेपर है, ये थाना में जाके जीडी किया गया था 11/11/2020। उसके बाद पुलिस क्या किया? कुछ नहीं, हम लोग अगर हम लोग जीडी लिखा है, कोई एक्शन नहीं किया, उसके बावजूद हम लोग फिर गए, कुछ नहीं किया। फिर हम लोग जाके बोले कि सर मेरा बेटी इंतकाल हो गई, वो हम लोग को हेरेसमेंट कर रहा, हमको ऊपर लेके जाके बहुत सवाल जवाब करके कोरा कागज में साइन करवाया जेल बनियापोखर थाना में, और अब तक कोई एक्शन नहीं है। खाली बोलता है कि चोरी का जेवर है, हमको बिल ला के दो, नहीं तो तुम लोग भी चोरी किए हुआ जेवर लेके हो। और इसीलिए आज भी नोटिस आया है कि तुमको 5 दिन में आना है। कहाँ से बिल लाएंगे? थाना से फिर आया था सर, तो हम थे नहीं, तो इसको बोले कि हम लोग थाना से आए हैं, जो 5 दिन का जेवर का आपका बोला था, फिर अभी नोटिस देखेगी 5 दिन का अंदर जेवर। तो सर तो मेरा शादी का दहेज क्या है? पहले का जमाना में आदमी तो कागज नहीं देता था, मेरा सास हमको जेवर देके गई, मेरा बाप हम लोग को जेवर दिलाया, तो उन लोग कागज कहाँ रखा नहीं रखा। तो हम लोग का अब तो ना मेरा बाप है, ना मेरा माँ है, ना मेरा सास है, ना मेरा, सब डेड हो चुका, तो हम लोग कहाँ से स्लिप लाएंगे। हम लोग बोला भी सर को कि सर ये तो पुराना है, हम लोग मैंने कहाँ से पाया, बोले वो हम नहीं जानता हम लोग। तो हम लोग एक ना मैंने फैज खान था उससे भी बात किया, बोले अरे उससे पूछो कि तुम्हारा बाप माँ का है जेवर का स्लिप, चले आप दिखाइए, ये कोई मादा है 20 साल पुराना, आदमी कहाँ से रखेगा। सुनो तो किस तरीके का टॉर्चर किया जा रहा है, इनका जेबर, इनका पैसा सब कुछ यहाँ से लेके वो लड़का भाग चुका है। इन्होंने जब पुलिस में कंप्लेन किया तो पुलिस उसको रिलीफ देने का बजाय उनका जो जेबर चला गया उसके ऊपर उल्टा इनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है, कि इल्जाम दिया जा रहा है कि आप जो जेबर बोल रहे हैं कि लेके गया उसका कागज दिखाओ। आप ही बोलिए, अगर आज से 20 साल 25 साल पुराना जेबर का कागज कहां से लाएगा? अगर वो चोरी करके जेबर लाता तो उसके ऊपर, जहां से चोरी होता उसके ऊपर कोई FIR होता, वहां से अगर चोरी हुआ होगा तो उसके ऊपर कोई इल्जाम होता, ऐसा तो कोई इल्जाम नहीं है। एक गरीब फैमिली अपने बेटी के लिए शादी के लिए जेवर उठा के रखा है, उसको बोला जा रहा है कि उसके ऊपर कागज चाहिए। सोचिए देश का हालत क्या हो रहा है। हमारे देश के हर जगह में जहां पे इंसाफ दिया जा रहा है उस जगह में इस गरीब के ऊपर किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग खुद देखिए। आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता तो आप लोग क्या करते? इसीलिए हम लोग यहां पे आए कि इस वाकया को हमारे चैनल के जरिए आप लोगों के सामने हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। कि देखिए आप, ये बच्ची का फोटो हम आपको दिखाएंगे, कितनी छोटी बच्ची है। ये आप लोग देखिए, ये उनकी बच्ची है जिसका उम्र था 20 साल। आप समझ सकते हैं कि छोटी सी एक बच्ची जो अभी जिंदगी देखा ही नहीं है उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। और वो लड़का का भी फोटो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जिसके साथ उनका शादी हुआ था। ये वो लड़का है जिसके साथ उसका शादी हुआ था, अल्ताफ हुसैन। लड़का का नाम अल्ताफ हुसैन है। लड़का हावड़ा में कहीं पे रहता है, हावड़ा सिपुर में। अभी तक खुलेआम घूम रहा है, एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर चुका है, ना जाने और कितने लड़की का जिंदगी बर्बाद कर चुका है, फिर भी उसका बच्चा भी चला गया, फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है और प्रशासन कुछ स्टेप नहीं ले रहा। यही है आज का देश का आईन व्यवस्था क्या? यही है आज का देश का जो इंसाफ
तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम अपने चैनल के जरिए से आप लोगों के सामने ये बात उठाना चाहते हैं कि जो 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 इस तरीके का हरकत कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उन लोग को कड़ी से कड़ी उन लोगों के ऊपर स्टेप लिया जाए। अगर इसको सही में अगर ये दोषी है तो इसके ऊपर क्यों नहीं कोई स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि गरीब है। इसीलिए हम इस बात हमारे चैनल के जरिए से ये बात आप लोगों के सामने उठाना चाहते हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं? कि लड़का को सजा मिले, क्योंकि ताकि आने आइंदा कोई लड़की के साथ ऐसा हरकत ना करे, ना कोई हादसा करे, क्योंकि हमारा बच्चा चलेगी। हम लोग को सरकार से इंसाफ चाहिए। ममता दीदी को यही करना है कि एक मुस्कर आदमी एक लड़की का संग में इतना बड़ा जुलूम हुआ है, उसको हमको इंसाफ चाहिए। लड़का आजादी से घूम रहा है, ऊपर से हर वक्त ट्रेडिंग रहता है, एवरी डे फोन करके वीडियो कॉल कभी से कॉल करके नॉर्मल कॉल करके हम लोग को हैरेसमेंट करता रहता है। अब बोलता है कि तुम लोग मेरा क्या उखाड़ सकते हो और थाना क्या उखाड़ लेगा। देख सुनो, आप जो एक गुंडा जो अभी खुलेआम घूर रहा है वो बोल रहा है कि क्या आप कर सकते हो, और अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। मैं हमारे चैनल के जरिए से हमारे चैनलের মাধ্যমে আমরা माननीय মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে এই রকম একটি পরিবার খুব অসহায় অবস্থায় রয়েছে। এদের এদের দিকে দেখার কেউ নেই, এরা খুব খুব অসহায় ভাবে নিরুপায় ভাবে আজকে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আবেদন রাখতে চাইছে যে এদের জন্য যেন কোনো স্টেপ না হোক, নাহলে এই এই গরিব পরিবারটি ভেসে যাবে। তার তার অলরেডি তার বাচ্চা কিন্তু ডেট করে গেছে এবং তার সাথে তার মেয়েও ডেট করে গেছে। এই এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আমরা একটাই অনুরোধ রাখতে চাইব প্রশাসনের কাছে, এই এই বিষয়টার উপর যেন একটু কড়া নজর দেওয়া হয় এবং কড়া থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এই এই পরিবারটি হয়তো বেঁচে যাবে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই পরিবার, গরিব পরিবার, তাদের আগে পিছিয়ে কেউ নেই। আমরা সবাই সংখ্যালঘুর কথা বলি, আমরা সবাই সংখ্যালঘুর পাশে দাঁড়ানোর কথা বলি। আসুন না সবাই মিলে এই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি কিনা, এই পরিবারের জন্য কোনো আদৌ কোনো স্টেপ হচ্ছে কি না, আমরা কিন্তু যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এদের পাশে আছি থাকব। নমস্কার।